थी जो कि सिर्फ बनारस और कुछ जगहों तक ही जो सीमित रह गई है, वेद की शिक्षा वेद विश्वविद्यालय बिहार में स्थापित हो, यह हम महिला मोर्चा की तरफ से एक मांग के रूप में रखा जाएगा। जी धन्यवाद। एक क्वेश्चन हम करना चाहेंगे, आप बेतिया से हैं, बेतिया की डिप्टी सीएम रेणु देवी जी बेतिया की हैं और संयोग से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय जायसवाल जी भी बेतिया से हैं, तो लगभग समुचित व्यवस्था की 70% हम लोग बेतिया में अवेलेबल हैं। अगर पावर टर्निंग कहा जाए या जो भी कहा जाए, सब चीज़ बेतिया में अवेलेबल है, तो दरभंगा की मांग हो रही है आज करके, एयरपोर्ट मांगे दरभंगा, अब बीच में यूट्यूब और फेसबुक पे चला था कि चंपारण मांगे एयरपोर्ट, तो मैं ये अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ और आपके माध्यम से कि सब चीज़ हमारे बेतिया में है, उप मुख्यमंत्री जी बेतिया में है, हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष इतनी मतलब कार्यशील जो हैं पायल गुप्ता जी बेतिया में, क्या आप इसके लिए पार्टी से या मुख्यमंत्री जी से आप इसके बारे में चर्चा करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि आपने ये क्वेश्चन उठाए, ये क्वेश्चन हमारे मन में भी है, लेकिन कहते हैं ना कोई भी काम एक एक करके किया जाता है, धरातल पे आता है तो अच्छा लगता है। तो अभी जैसे हमारा संस्कृत का मांग हो रहा है, हम महिलाओं के लिए मतलब फिजिकल के इंडोर स्टेडियम का मांग हुआ, स्कूल का मांग हुआ, अब इसके बाद हमारा एयरपोर्ट ही रहेगा, क्योंकि जो हमें परेशानी होती है कहीं भी जाना होता है तो पहले हम पटना जाते हैं, पटना जाने में भी काफ़ी परेशानी, तो हम चाहेंगे डिप्टी सीएम से अपने प्रदेश अध्यक्ष से सभी माननीय मंत्री जो हमारे विधानसभा के मंत्री हैं को ये आपका जो ये योजना है, जो हमारा योजना ये हम सब का योजना, ये एयरपोर्ट बनना चाहिए, निश्चित ही बनना चाहिए और बिल्कुल ही बनना चाहिए, इसमें हम सभी का समर्थन है, आपके इस बात के लिए सबका समर्थन है। जी धन्यवाद। मां सर्वोच्च दर्पण न्यूज़ से जय हिंद। ठीक है।